स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट प्यारी दोस्त रिचा शर्मा, फ्रेंड बट सावित्री। मेरे ख्याल से हम भारतीय में बट सावित्री का व्रत लगभग सभी लोग मनाते हैं। बस फर्क इतना होता है प्रांत भाई, जैसे कि उत्तर प्रदेश में अमावस्या को मनाया जाता है, वहाँ महाराष्ट्र में ये पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो ये बट सावित्री व्रत क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, ये व्रत क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे क्या कथा है, बहुत रोचक कथा है वो याद रखना, और इस व्रत को करने का क्या तरीका है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्राचीन समय की बात है, शाक देश में राजा अश्वपति राज्य करते थे, क्योंकि बहुत प्यारी सी सुंदर सी कन्या थी सावित्री, जो बहुत योग्य थी, बहुत गुणवती थी। जैसा कि हम सब जानते हैं प्राचीन भारत में स्वयंवर प्रथा प्रचलित थी, यानी कि स्त्री को भी अधिकार था वो अपने मन माफिक वर का चयन कर सके। वही राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री से सावित्री से कहा, पुत्री तुम अपने योग्य जिसको चाहो उसको वर कर सकती हो, मैं उससे तुम्हारा विवाह करा दूंगा जो भी तुम्हें पसंद हो। तो सावित्री अपने रथ पर अपने सारथी के संग इधर उधर, मतलब इस प्रांत से दूसरे प्रांत, इस नगर से दूसरे नगर पर निकलने लगी। रास्ते से जब वो एक जंगल से गुजर रही थी, वहां उसने देखा एक व्यक्ति लकड़ियां काट के गट्ठा बना रहा था, और उसके चेहरे पर उसको एक अलग तरह का तेज सा नजर आया। उसे लगा ये कितना सीधा है, उसे पैसे वगैरह की तो ऐसी आवश्यकता नहीं थी, पर उसे लगा ये दिल का बहुत अच्छा व्यक्ति है। उसने उसका पता किया, अपने सारथी से कहा इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लो। सारथी ने जानकारी ली, सावित्री अपने पिता के पास वापस आ गई और अपने पिता से कहा कि ऐसे से फलानी जगह सत्यवान नाम का एक युवक रहता है, उसके माता पिता अंधे हैं, वो अपने माता पिता की दिन रात सेवा कर उसी का वरण करना चाहता। उसी समय इत्तेफाक से राजा ने अपने राजपुरोहित से और ऋषि मुनि से वर किया गया। तभी वहां पर जब यह मशवरा चल रहा था, तभी नारद मुनि वहां पर आ गए। उन्होंने भी जब सुना कि वो सत्यमान का वरण करना चाहती हैं, तब नारद जी ने कहा, पुत्री ये तो बिल्कुल सही है कि सत्यमान बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, माता पिता की नहीं, वो मतलब दिल का बहुत ज्यादा दयालु और करुणा है उसके अंदर, लेकिन बस एक ही नेगेटिव पॉइंट है, एक ही माइंड। राजा ने भी आश्चर्य से नारद जी की तरफ देखा, बोले क्या? बोले वो अल्पायु है, इसलिए बेहतर होगा क्योंकि वो शादी के कुछ समय बाद ही ईश्वर के पास चला जाएगा, तो बेहतर होगा पुत्री तुम अपने जन्म लिए कोई अन्य वर का चयन कर लो। लेकिन सावित्री तो एक पतिव्रता थी, तो उसने कहा मैंने अगर मन में भी किसी को अपना पति मान लिया है, मैं किसी अन्य से विवाह नहीं कर सकती। पुराने टाइम की हमारी जो भी सती स्त्रियां थी, वो जिसको अगर मन में भी पति मान लेती थी फिर वो किसी अन्य की तरफ देखती तक नहीं। सावित्री ने कहा, हे नारद ऋषि, आपने का कथन सत्य है या सत्य, लेकिन अगर मैंने मन से उनको वरण कर लिया है तो मैं किसी अन्य की तरफ अब देख भी नहीं सकती हूँ। राजा मजबूर थे तो उन्हें उनसे सत्यवान से विवाह कर दिया। सावित्री ने कि सत्यवान अल्पायु है ये बात ना अपने सास ससुर को बताई ना किसी को, और वो जंगल में ही राजा ने बहुत कोशिश की वो महल में आके रहे, कोई अलग दे दे, लेकिन सावित्री ने भी स्वीकार नहीं किया ना सत्यवान ने स्वीकार। सावित्री अपने सास ससुर की सेवा करती, उसी कुटिया में रहती, खाना पीना सब बनाती, अपने पति का भी पूरा ध्यान रखती थी। अब वही तिथि आ गई, यानी कि अमावस्या, जिस दिन उसके पति का स्वर्गवास होना था। सावित्री ने जल्दी से सारा काम खत्म किया और अपने पति के संग जंगल की तरफ चली। उसने कहा आज मैं साथ में रहूंगी। वो एक एक पल अपने पति के साथ रहने लगी। सत्यवान को लकड़ी काटते समय ऊपर एक चक्कर सा आया, वो नीचे आके बैठ गया और सावित्री की गोदी में, सावित्री ने अपने पति का सिर अपनी गोदी में रख के लेट गई। अब उसके सिर पे हाथ फेरने लगी, तभी यमराज जी वहां आए और उन्होंने एकदम से अपना पाश फेंका वो सावित्री, लेकिन सावित्री ने कहा कि महाराज आप तो बोले हे पुत्री सत्यवान का समय पूरा हो गया, इसलिए मैं इनको ऊपर ले जा रहा हूँ वहां पे इनके। तो सावित्री ने बस हाथ जोड़े, कुछ नहीं कहा इसे। जब वो थोड़े आगे चले तो उन्हें लगा पीछे से कोई आ रहा है। यमराज जी ने जब पीछे पलट कर देखा तो देखा कि सावित्री पीछे पीछे आ रही है। कहा पुत्री ये क्या, तुम जानती हो ना पृथ्वी लोक से, इस मर्त्य लोक से अगर कोई भी ऊपर जाता है, स्वर्ग या नरक जाता है, तो उसमें सशरीर नहीं जाते, मृत्यु होने के उपरांत ही ऊपर जाया जाता है। पुत्री तुम अपने घर वापिस जाओ। सावित्री बोली नहीं,
जहां मेरे पति जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी, मैं आपसे मृत्यु है कल समय बदलने को नहीं कह रही, लेकिन जहां मेरे पति जाएंगे मैं जरूर जाऊंगी। तो यमराज जी ने बहुत कसम खाया लेकिन सावित्री मानने को तैयार नहीं है। तब यमराज जी ने कहा, पुत्री मैं तुम्हें एक वर दे सकता हूँ, चलो जो भी इच्छा हो वो मेरे से भाग सकती हो। तब सावित्री ने कहा, मेरे अंधे सास ससुर हैं, उनकी आंखें सही हो जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु, और आगे चलने लगे सत्यवान की आत्मा को लेकर। थोड़ी देर बाद यमराज जी को एहसास हुआ कि फिर कोई उनके पीछे है। उन्होंने पलट कर देखा तो देखा सावित्री पीछे पीछे आ रही है। यमराज जी ने उन्हें पुनः समझाया आप कि सावित्री ये संभव नहीं है, जिसकी आयु पूर्ण हो जाती है उसको मृत्युलोक छोड़कर जाना ही पड़ता है, किंतु सावित्री नहीं मानी। तब यमराज जी ने उनसे कहा, अच्छा चलो मैं तुमको एक वर और देता हूँ, जो भी चाहे वो मांग लो। तब सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें पुनः प्राप्त हो जाए। यमराज जी ने कहा, तथास्तु, और ये कह के फिर वो सत्यवान की आत्माओं को लेकर आगे आगे चलने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें फिर लगा कि उनके पीछे कोई है। उन्होंने पलट कर देखा तो देखा सावित्री। तो उन्होंने फिर ये समझाया, सावित्री ये संभव नहीं है, जब जिसका वक्त आता है वो उसे ही ऊपर ले जाना पड़ता है, सत्यवान का वक्त आ चुका है इसलिए ले जा रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात मैंने तुम्हारे मनोवांछित वर भी दे दिए, फिर भी तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो। तब सावित्री ने कहा, महाराज आप मुझे सिर्फ एक वर दे दीजिए और मैं वापिस तुरंत लौट जाऊंगी। तब यमराज खुश हो गए कि सावित्री उनकी बात मान ली। बोले, पुत्री जो मांगना चाहती हो मांग लो। सावित्री ने कहा, बस मुझे पुत्र होने का आशीर्वाद दे दीजिए। यमराज ने कहा, तथास्तु, और जैसे ही उन्होंने भैंसे को अपने आगे बढ़ाना चाहा तब तक सावित्री तुरंत बोली, महाराज ये क्या, आप तो मुझे कलंकित कर रहेंगे क्या। यमराज के मतलब, बोले बिना पति के पुत्र होना संभव है क्या। अब तो यमराज पशुपेश में पड़ गए, अगर वो तब भी ये उसकी आत्मा को ले जाएंगे तो वो झूठे साबित हो जाएंगे। अब उन्हें मजबूरी वश सत्यवान के प्राण वहाँ पर छोड़ने ही पड़े। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है, अगर स्त्री में वो शक्ति है कि वो यमराज से अपने पति के प्राण तक वापस ला सकती है, यही इस कथा का महत्व है। और जैसे सावित्री के पति की दीर्घायु हुई, ऐसे भगवान सबके पति की लंबी आयु करें। जय श्री राम।